नमस्कार, घमासान.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी राठौर। आतंकियों के हमले में मारे गए मेजर का शव जब देहरादून पहुंचा तो उनकी पत्नी ने शव को चूमते हुए कहा, आई लव यू। यह नजारा देख हर कोई गमगीन हो गया क्योंकि 7 महीने पहले ही मेजर और निकिता की शादी हुई थी। आइए आगे देखते हैं क्या है पूरी खबर। शहीद हुए मेजर पति को निकिता ने कहा, आई लव यू। हाल ही में आतंकवादी वारदात में शामिल हुए मेजर वीएस डोंडियाल का शव जब उनके देहरादून स्थित घर पर पहुंचा तो माहौल बेहद गंभीर हो गया। मेजर ने 7 माह पहले ही निकिता से प्रेम विवाह किया था। शव के घर पहुंचते ही पत्नी ने अपने पति के शव को चूमकर आई लव यू कहा। यह दृश्य देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी निकिता ने मेजर को इस तरह से विदाई दी जैसे एक वीर को दी जाती है। निकिता ने यह भी कहा कि पति ने उनसे वादा किया था कि वे शादी की सालगिरह पर लंबी छुट्टी लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले ही वो शहीद हो गए। शहीद मेजर की अंतिम यात्रा जब सुबह निकली तो सेना के अफसरों ने उनको श्रद्धांजलि दी। शहीद की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग सड़कों और छतों पर जमा हो गए। इस दौरान शहीद विभूति अमर रहे, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.